आप सबको जय मसीह की, हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु की ओर से आप सबको शांति और अनुग्रह मिलता रहे। सोशल मीडिया के जरिए से आप तक परमेश्वर के वचनों को लाने का यह अवसर प्रभु ने मुझे दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हो, और आप में से कुछ लोग काफी अच्छी कमेंट्स भी मुझे भेज रहे हो, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इसलिए आप सबका भी मैं बहुत ही आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। कल मैंने कहा हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर हमारे जीवन में शैतान के बंधनों को लाता है, और हमारे जीवनों में हम शैतान को काम करने के लिए और भी द्वार को खोल देते हैं, और शैतान डर के माध्यम से और ढेर सारी बीमारियों को हमारे जीवन में ला सकता है। लेकिन दाऊद के समान हमें यह कहना है, यदि मैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं, तो भी किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है। और दाऊद भजन संहिता 27:1 में यह भी कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन की ज्योति है, यहोवा मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। मेरे प्रियो, हमें ये संसार की चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोरोना वायरस से, हमें मृत्यु से, और हमें शैतान से, और हमें किसी मूर्तियों से, और हमें किसी जादू तो ना करने वालों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें किससे डरने की आवश्यकता है। आज का मेरा विषय है, हमें किससे डरना है। हम बाइबल में से प्रकाशित वाक्य उसका 14:7 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। इस वचन में हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत जिसके पास सनातन सुसमाचार था, वह बड़े शब्द से यह संदेश सुनाता है। बड़े शब्द से इसलिए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई रह न जाए यह सुनने से, और वो कहता है परमेश्वर से डरो। यहां पर हमें जवाब मिलता है, हमें किससे डरना है। जैसे मैंने बताया कि हमें कोरोना वायरस से नहीं, हमें मृत्यु से नहीं, हमें जादू टोना करने वालों से नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर से डरना है। हमें परमेश्वर से डरना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर से डरने का मतलब क्या होता है? क्या सच में परमेश्वर हमको डराना चाहता है? परमेश्वर से डरने का मतलब है परमेश्वर के प्रति आदर युक्त भय रखना। जो बातें और जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो बातें और काम परमेश्वर को महिमा नहीं लाते हैं, उन बातों को बोलने से और सुनने से, उन कामों को करने से, उन कामों में हाथ डालने से यदि हम अपने आप को दूर रखते हैं, तो हम सच में परमेश्वर का भय रखते हैं। नीति वचनों 8:13 में लिखा गया है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यदि हम परमेश्वर का भय रखते हैं, तो हम बुराइयों से बैर रखने वाले होंगे। ज्ञानी सुलेमान अपने अंत के शब्दों में यह कहता है, सभोपदेशक उसका 12:13-14 में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इस वचन में परमेश्वर का भय मानने का अर्थ होता है परमेश्वर के वचनों पर चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। आज मसीह
लोगों में सबसे बड़ी कमी यदि पाई जाती है तो वो है परमेश्वर का भय मानना। वो चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं, क्वायर में भी शायद होंगे, दान दशांश भी देते होंगे, प्रार्थनाएं भी करते होंगे, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवनों में परमेश्वर का भय नहीं है। दे रियली डोंट फियर द लॉर्ड, और वे सब उनके काम दर्शाते। मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं? डू यू रियली फियर द लॉर्ड? हम परमेश्वर से डर रखते हैं कि नहीं? इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम कर सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं और हमें पाप करने का मौका मिल जाए, तब हमारे व्यवहार कैसा है, ये बात को तय करेगा कि सच में हम परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो यूसुफ के समान हमें व्यभिचार के पाप को करने का मौका होगा तो हम इनकार करेंगे। हम दानियल और शाद्रक मेशक अबेदनगो के समान यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो मूर्तियों के आगे झुकने के लिए हमें दबाव डाला जाए या तो अवसर हो, परिस्थितियां हमें वहां पर ले जाए, तभी भी हम इनकार करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते तो आज यह दिन शायद देखने नहीं पड़ते, क्योंकि परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए बाइबल में अनेकों आशीषों के वचन लिखे गए हैं। वचन संहिता 147 के 11 पद में लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 35 में लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर एक जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है उसे भाता है। परमेश्वर उसे भाता है। जब परमेश्वर का डर रखेंगे वह हमसे प्रसन्न रहेगा, वह हमें आशीष देगा, वह हमें श्राप नहीं, बीमारियां नहीं, लेकिन आशीष देगा। वचन संहिता 112 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनकी संतानें पृथ्वी पर बलवंत होंगे, पराक्रमी होंगे और वो आशीषित हो जाएंगे। नीति वचन 24 का 27 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाएंगे। परमेश्वर के भय मानने के आशीष है। परमेश्वर का भय हमें बुराई से बचा करके रखता है। वचन नीति वचनों 10 का 27 में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानने वाले लंबी आयु प्राप्त करेंगे, उनकी आयु बढ़ती जाएगी जो परमेश्वर का भय मानते हैं। वचन संहिता 145 का 19 में भी प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा के भय मानने वालों की इच्छाओं को प्रभु पूरी करेगा, उनकी दुआएं उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने से हमें बहुत सारी आशीष मिलती है। आदम जब उसने पाप किया तो वो छुप गया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं था। अब शैतान ने उसके अंदर एक भय पैदा कर दिया था कि यदि तू परमेश्वर के सामने जाएगा तो वो तुझे डांटेगा, वो तेरा नाश करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर का डर हमें उसके और करीब ले आएगा। परमेश्वर का डर हमें उसके और भी वचन के आधार पर जीने की सामर्थ्य देगा। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है कि प्रभु के भय में और उसकी सामर्थ्य में चले। प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें केवल आपका भय खाना चाहिए, केवल आपसे डरना चाहिए। जब हम आपसे डरते हैं तो हम बुराइयों से दूर रहेंगे। प्रभु, जैसे स्वर्गदूत ने घोषित किया, यहोवा का डर रखो और उसको महिमा दो, मेरी प्रार्थना है ये वचन सुनने वाले हरेक व्यक्ति के जीवन में आपके प्रति प्यार और आदर युक्त भय पैदा हो जाए और आपके वचन के अनुसार
चलने के लिए, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए उनको सामर्थ्य दे। ऐसे कोई भी प्रभु पिता सीक्रेट सिंस के अंदर वो जीवन जी रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में उन सीक्रेट सिन में से, उस बंधनों में से प्रभु यीशु के नाम में उन्हें छुटकारा मिले और प्रभु वो सच में आपके भय रखने वाले लोग बन जाए। आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद। सुनने वालों को प्रभु आप बहुत सहायता से आशीषित करिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन।